हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं मोमोज, और ये मोमोज बन रहे हैं आटा मोमोज। और द्रुही को खाने थे मोमोज, और द्रुही ट्यूशन से आते वक्त जिद करने लगी कि उसे मार्केट का मोमोज खाना है। तो मैंने उसको बोला कि चलो हम घर पे बनाएंगे खूब सारा, और ढेर सारा पेट भर के खाएंगे। तो हम लोग आके घर पे बना रहे हैं। मैदा लेने गए थे दुकान पे, मैदा ही खत्म था, तो हम बिना मैदे के चले आए। तो हमने सोचा हम आटा बनाएंगे तो और हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हम लोग बना रहे हैं, और पहला मोमोज बन चुका है, आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा पहला मोमोज बन चुका है, और द्रुही मेरी हेल्प कर रही है। द्रुही देखिए क्या बना रही है, बना कम रही है, खेल ज्यादा रही है। तो मोमोज की पूरियां बना रही है द्रुही, और हम उसमें फिलिंग भर रहे हैं। फिलिंग आपको दिखाती हूँ। कैबेज ले आए थे हम, कैबेज खरीदा, फिर हम मोमोज के उसके मैदे की दुकान पे गए, वहां मैदा हमें मिला नहीं। तो हमने सोचा चलो कैबेज तो है ही, मेन चीज तो है फिलिंग के लिए, तो हम आटे का भी बना सकते हैं। तो आटा मोमोज हम बना रहे हैं, और देखिए दूरी क्या कर रही है, फिलिंग भर रही है। बना लोगे आप? ज्यादा मत भरना, ऐसे जब मोड़ना है उसको आराम से आराम से आराम से, चारों तरफ से, चारों तरफ से दो। तो ये द्रुही के हाथ का पहला मोमोज बन रहा है, और द्रुही इसे टेस्ट करने वाली है। तो सब कुछ मैंने आते ही, मैं लग गई थी ट्यूशन से द्रुही को लेके आते ही, पहले मैंने कैबेज को बारीक बारीक चॉपर में इसको इस तरीके से काटा, फिर इसको गार्लिक वगैरह और जिंजर सब कुछ लेके अच्छे से बारीक सब चॉप करके, और उसको थोड़ा सा सॉटे किया है ताकि उसका कच्चापन थोड़ा निकल जाए। वाह, द्रुही का मोमोज देखिए किस, अरे द्रुही तो निकल ही नहीं रहा चकले में से। ओह नो, ये देखो पीछे से फट गया द्रुही का मोमोज, और आगे से कुछ इस तरीके का बना है। कोई नहीं, अच्छी कोशिश की आपने, नाइस अटेम्प्ट। चलो इसको ऐसे ही बेक, अब बेक कह रही हूँ, इसको ऐसे स्टीम कर देंगे हम, ठीक है? स्टीम कैसे हो सकता? इसको स्टीम करके पकाएंगे ना, ऐसे ही स्टीम कर देंगे। तो चलिए पूरा बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं स्टीम कैसे कर रही हूँ। इसे कढ़ाई में स्टीम करूंगी, और फिर हम लोग एंजॉय करेंगे मोमोज। मेयोनीज है घर में, तीखी चटनी द्रोही खाती नहीं है, वैसे भी तो सेजवान चटनी बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मल सॉस से खा लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए हैं, चलिए इनको स्टीम करते हैं। चलिए द्रोही पकाते हैं इनको, पकाते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरी कढ़ाई, इसमें ये मसाला थोड़ा भुना था, इसी मैंने पानी नीचे रख दिया है, और एक प्लेट रख दी उल्टा करके, और इसके ऊपर ये प्लेट रख रही हूँ। थोड़ा पानी और डाल देती हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसे। अब इसी प्लेट में रख दिया हमने, इसके बाद ये प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा दूंगी, से क्या हो गया हमारे मोमोज स्टिक नहीं करेंगे प्लेट में। अरे मोमोज को यूं प्लेस कर देंगे हम यहाँ पे। मैं भी जा रहा हूँ, ध्रुवी मेरी हेल्प कर रही है, यहाँ फूल बना देंगे ना। बहुत तेजी से आए दौड़ के, क्यों तेजी से दौड़ के आए? क्योंकि मुझे टेबल लेना था ना, इसलिए। ये देखो द्रोही का मोमोज आ गया, जल गई। हाँ। ये देखिए हमारे सारे मोमोज आ गए हैं। अब हम, ये बड़ी प्लेट है, इससे ये कढ़ाई को ढक देंगे, और ये इसी में स्टीम बनेगा, फ्लेम ऑन कर देते हैं, और ये स्टीम से पकेगा। तो चलिए पकने देते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हमारे तैयार है, ये देखिए अच्छे से कुक हो गए हैं, और एकदम गरम गरम है, भाप निकल रही है अभी, और इसे द्रुही मेयोनीज और केचप के साथ एंजॉय करने वाली है। तो चलिए इसे द्रुही, आप मोबाइल पकड़ो, दिखाती हूँ, पकड़ो ऐसे पकड़ो, दिखाओ मम्मी, मम्मी फुक फुक के। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम इसको तोड़ते हैं, और ये देखिए फिलिंग देखिए अंदर से कितनी अच्छी हमारी भरी हुई है, और गरम गरम भाप निकल रहा है इसमें से। ये देख रहे हैं आप, धुआं चल रहा है, मैदे का नहीं है, तो बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हेल्दी है, आप लोग बना के खा सकते हैं घर पे। तो इसके लिए बच्चों को पहले ही अच्छा लगता है ना मोमोज को, उसमें सारा हेल्दी डालेंगे तो कुछ भी अच्छा लगेगा। भैया
ठीक है, करके खाओ।